और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने अब महीने के 2 दिन पौड़ी कमिश्नरी में बैठक लेने की बात कही है। दरअसल गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी की तरफ रुख मंडलीय अधिकारी कम ही किया करते हैं, जिससे गढ़वाल मंडल अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। मंडलीय अधिकारी राजधानी देहरादून में बनाए गए अपने कैंप कार्यालय से सरकारी कार्य निपटाया करते हैं, जिससे गढ़वाल मंडल मुख्यालय वीरान सा नजर आने लगा है। ऐसे में अब मंडलीय अधिकारियों को पौड़ी में बैठने के निर्देश समेत खुद भी महीने में 2 दिन पौड़ी को देने की बात कमिश्नर ने कही है। गढ़वाल कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी की। बैठक पर नदारद अधिकारियों पर कमिश्नर ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वेतन रोकने के निर्देश दिए जाएंगे, साथ ही राज्य और जिला सेक्टर के विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। काफी लंबे समय के बाद आज मंडल स्तर की मैंने समीक्षा की है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो इन्वेस्टर्स मीट चल रही थी उसमें हम लोग काफी व्यस्त थे, लेकिन अब ये निर्धारित हो गया है कि महीने में कम से कम 2 विजिट हमारी हुआ करेगी फोर्टनाइटली। कोर्ट वर्क भी किए जाएंगे और साथ ही साथ मंडल स्तर के जो हमारी समीक्षाएं हैं, महीने में एक समीक्षा बैठक होगी और मेरे द्वारा मौके पर कामों का इंस्पेक्शन भी किया जाएगा। आज की समीक्षा बैठक में ये पाया गया कि कई मंडल स्तर के अधिकारी आज बैठक में उपस्थित थे, तो अभी उनकी एक सूची तैयार हो रही है और इन सभी का वेतन रोकने का आदेश कर दिया गया है। इनके वेतन आहरित नहीं होंगे और इन सभी को शोकाज नोटिस जारी की गई है। साथ ही साथ कुछ विभागों की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही है, उनको भी शोकाज नोटिस जारी की जा रही है।